आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने मोबाइल का गूगल ड्राइव कैसे ओपन कर सकते हो, जिससे आपके मोबाइल का जो गूगल ड्राइव है उसका सारा डेटा आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करना है आइए जानते हैं। सिंपल तरीका है, सबसे पहले आपको देखना है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। हमारे पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा ब्राउज़र भी है, और आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज भी होगा, तो यहाँ पे आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। आप कोई ना कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, तो यही ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करेंगे, सबके कंप्यूटर में यही होता है। ऊपर आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको लिखना है google.com, तो google.com आप लिखें और एंटर कर लीजिए। ये वाला पेज आपके पास आएगा, कॉर्नर पे आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन साइन इन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी मांगेगा, तो अपने मोबाइल की मेल आईडी एंटर कर दीजिए। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके गूगल ड्राइव में कौन सी मेल आईडी है, तो आप पहले गूगल ड्राइव में जाइए मोबाइल के, इस पर क्लिक करें, फिर आपका जो जीमेल आईडी ये वाला है आपको इसको ही लॉग इन करना है। तो हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो गूगल अकाउंट है वो लॉगिन हो गया है। सिंपली आपको अपना जो गूगल अकाउंट है अपने कंप्यूटर में भी लॉगिन कर लेना है। फिर कॉर्नर पे आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाएंगे, आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राइव, इस पे क्लिक करें, और आपका जो गूगल ड्राइव है जो मोबाइल में होगा वही सेम टू सेम आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप साइन इन कर लिए हैं, यहाँ पे आपको ऊपर डब्बे में गूगल ड्राइव लिखना है और एंटर कर देना है। गूगल ड्राइव आ जाएगा और यहाँ पे आप साइन इन कर लीजिए। अगर आपका साइन इन पहले से ही है तो गो टू ड्राइव पे क्लिक करें और आपकी जो गूगल ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।